हाय गाइस, वेलकम टू नंबर एक्स। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे जो आईएससी बोर्ड मैथ पेपर में आया था। क्वेश्चन था, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 3x एंड फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन देम। ओके, यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हैं, दोनों इक्वेशन पैराबोला के हैं। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये ज़ूम कर लेता हूँ कि C1 कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, C2 है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 3x। इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं, यदि -3 कॉमन ले लेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं एक -3 टाइम्स x - 4/3। इससे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ओके, और कर्व ड्रॉ करने में आसानी होगी। ओके, तो जो फर्स्ट कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, उसके लिए ये कर्व है C1। ओके, और दूसरे के लिए कर्व है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि इसका वर्टेक्स जो है वो 4/3, 0 है। ओके, दोनों कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट आप निकाल सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे, इसमें एक्स की वैल्यू आती है 1 पे। ओके, और जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे दोनों इक्वेशन में तो आता है +-1 y की वैल्यू। ओके, दैट मींस एक पॉइंट आपको मिला 1, 1 और दूसरा पॉइंट मिला 1 और -1। इस पॉइंट पे दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमें पूछा गया है कि इस वाले रीजन का एरिया कितना है। ठीक है, जो मैं येलो कलर से अभी शेड करने जा रहा हूं, ठीक है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे? यदि हम एक्स एक्सिस के अलोंग इसको इंटीग्रेट करते तो थोड़ा मुश्किल होती, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, विथ रेस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, और इसको कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो ग्रीन कलर में जो कर्व है ना, इसका एरिया हम निकालेंगे लिमिट कहाँ से, वाई की वैल्यू जब -1 से +1 तक जाएगी। ठीक है, वो वाला एरिया आप निकालेंगे पहले, ये पूरा एरिया। उसके बाद से जो C1 से जो एरिया बन रहा है -1 to +1, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो होल एरिया निकल जाएगा। ठीक है, इसी टेक्निक का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें फंक्शन को वाई एक साइज फंक्शन ऑफ y लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया फर्स्ट के लिए x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और दूसरे के लिए x इज इक्वल टू 4 - y² / 3। ठीक है, इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ f ऑफ y और दूसरे को एज्यूम कर रहा हूँ g ऑफ y। ओके, तो कर्व C2 के लिए जो ये बना है, ठीक है, ये बन गया हमारा g ऑफ y। अब इसको इंटीग्रेट हम करेंगे तो -1 से +1 तक करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई और दूसरे को भी -1 से +1 तक करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, और ये काफ़ी आसान है इंटीग्रेशन, आप इजीली कर सकते हैं और इसका आपको आंसर आएगा 16/9 square unit। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप तब तक देखते रहिए। यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, कई लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया है जो बहुत ही फास्ट है, या यूं कहें कि सुपर फास्ट है। वहां पे केवल आपको क्वेश्चन और आंसर क्या है यही पता चल रहा है, एक्सप्लेनेशन वो लोग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप एक्सप्लेनेशन भी समझें, क्योंकि आप 12th क्लास तक ही स्टॉप नहीं होने वाले हैं। हो सकता है आप IIT के प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई और कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको ये बेहद जानना जरूरी है कि कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच क्या होगा सॉल्व करने का, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग नंबर एक्स। थैंक यू।